Students, today we will discuss the topic of subject discrete mathematics. Topic is relation. Okay. Ready. Okay. Before starting the topic relation, before that, I would like to explain basic things that relate to the topic relation. First of all, how do we know a set? Okay. Set means a collection of well-defined objects. Okay, we use term set in the topic relation. Set means a collection of well-defined objects. Example, A, E, I, O, U. Equal to E, I, O, A, U. Okay. Next, elements are with curly brackets. Means जो भी set के अंदर elements define कर रहे हैं वो curly brackets के अंदर होंगे. Next, elements must be separated by comma. Okay, set के अंदर जो भी elements हम define कर रहे हैं उनको हम separate करेंगे with the help of comma as we defined here. नेक्स्ट, जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑफ नो इम्पॉर्टेंस. मीन जो ऑर्डर एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए थे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू. ओके, तो मीन जो इनका ऑर्डर है वो उसकी इम्पॉर्टेंस कुछ नहीं है, इसको हम इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, नो एलिमेंट इज अलाउड टू रिपीट विद इन द सेम सेट. ओके, कि मीन्स एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स का रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं है. सपोज ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा बी कॉमा ए, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई. ओके, तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू सेट. ओके, नेक्स्ट टर्म आता सबसेट. ओके, सबसेट को हम प्रेजेंट करते हैं सिंबल दिस, इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं. सपोज एक सेट ए उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. ओके, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स 2 to power 3 दैट इज 8. ओके, तो मीन्स सबसेट्स कौन कौन से होंगे, दिस 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 1, 2, 3. ओके, वन थिंग 5 और एम्प्टी रिलेशन या एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. ओके, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू टॉपिक रिलेशन. मीन्स सेट, व्हाट डू यू मीन बाय सेट, वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर, एंड व्हाट डू मीन बाय सबसेट, वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट, वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. ओके, रिलेशन, लेट ए बी अ सेट, लेट ए बी अ सेट अ सबसेट आर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए. ओके, मीन्स क्या हुआ कि एक सेट हमारे पास ए है, उसके सम एलिमेंट्स होंगे, तो मीन्स क्या, रिलेशन जो आर हमने डिफाइन किया है वो किसका सबसेट होगा, सेट ए का. ओके, इफ अ पेयर एक्स कॉमा बाई इज इन आर, वी राइट एक्स इज रिलेटेड टू बाई एंड से दैट एक्स इज रिलेटेड टू बाई, अदरवाइज वी राइट एक्स इज नॉट रिलेटेड टू बाई. ओके, यहाँ पे पेयर एक्स कॉमा बाई अगर ये बिलोंग कर रहा है या अगर इनके बीच में कोई रिलेशन है तो उसे प्रेजेंट करेंगे हम एक्स इज रिलेटेड टू बाई, अगर इनके बीच रिलेशन नहीं है तो हम प्रेजेंट करेंगे एक्स इज नॉट रिलेटेड टू बाई. ओके,
आर रिलेशन कैन बी क्वाइट आर्बिट्रेरी. ओके, हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट ए इक्वल टू, एक सेट हमारे पास है, उसके एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई. ओके, जैसा कि हमने पहले बताया सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा, वही हमने यहाँ पर यूज किया. एंड लेट आर, आर एक रिलेशन है, रिलेशन क्या ए कॉमा बी एक है रिलेशन है, दूसरा बी कॉमा सी, तीसरा सी कॉमा ई, तीसरा चौथा नेक्स्ट है ए कॉमा डी एंड नेक्स्ट डी कॉमा ए एंड डी कॉमा डी. ओके, इन दिस रिलेशन, इन दिस रिलेशन जो मैं प्रेजेंट किया इसमें क्या है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी है, लिख सकते हैं, लिखते हैं इसे. नेक्स्ट डी रिलेटेड टू है, डी रिलेटेड टू, बट सी इज नॉट रिलेटेड टू डी. इस रिलेशन में कहीं सी का डी से रिलेशन नहीं है जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ. ओके, तो इसको प्रेजेंट करेंगे सी इज नॉट रिलेटेड टू डी. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फ्यू मेथड्स हैं रिलेशंस को प्रेजेंट करने के, तो हम मेथड यूज कर रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट्स, मीन्स जो रिलेशंस हैं उनको डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से हम प्रेजेंट करेंगे. ओके, इसका मेथड क्या बता देता हूँ मैं आपको. वी कैन रिप्रेजेंट अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट एस, हमने एक एक फाइनाइट सेट लिया उसका नाम दिया एस यहाँ पे, विद अ डायग्राम कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ. उस रिलेशन एस को हमने प्रिंट किया है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ. ओके, तो यहाँ पे टर्म क्लियर होता है डायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स एक ऐसा ग्राफ, उस ग्राफ के अंदर जितनी भी एजेज हैं ओके उनके ऊपर एक डायरेक्शन होगा, मीन्स उनका जो मूवमेंट है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन को होगा. ओके, वी रिप्रेजेंट ईच एलिमेंट इन एस विद द लेबल्ड डॉट. ओके, ग्राफ के अंदर मीन्स जनरली अगर ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ है, अगर सपोज ये ओके ये ग्राफ के इन्हें नोड्स या वर्टेक्स बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स या नोड्स. दिस वन इज एज. ओके, तो भाई हमने यहाँ पे डिफाइन किया वी रिप्रेजेंट ईच एलिमेंट इन एस विद द लेबल्ड डॉट कॉल्ड अ नोड. यहाँ पे नोड बोला और अ वर्टेक्स. इफ एस कॉमा टी इज अ रिलेटेड पेयर, अगर रिलेशन के अंदर एक पेयर है एस कॉमा टी. ओके, तो देन वी कनेक्ट द टू नोड्स लेबल्ड एस एंड टी. ओके, मीन्स एक नोड एस एक नोड टी, अगर उनके बीच में कोई रिलेशन है तो उनको आपस में कनेक्टेड कर देंगे विद एन एरो, विद एन एरो फ्रॉम एस टू टी अकॉर्डिंग टू डियर डायरेक्शन. मीन्स के यहाँ पे एस कॉमा टी मीन्स जो रिलेशन है फ्रॉम एस टू टी. ओके, दिस एरो इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड एज. ओके, तो इस मैथ इस प्रोसीजर को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं आगे. सपोज वी हैव अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए, सेट ए के ऊपर डिफाइंड रिलेशन आर, उसके एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई. ओके, ये जो रिलेशन आर है वो डिफाइंड है, उसके पेयर्स हैं ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ई, ए कॉमा डी, डी कॉमा ए, डी कॉमा डी. मीन्स ए का रिलेशन बी से, बी रिलेटेड टू सी है, सी रिलेटेड टू ई है, ए रिलेटेड टू डी है, डी रिलेटेड टू ए है, डी रिलेटेड टू डी है. ओके, तो इस रिलेशन को हमने डायरेक्टर ग्राफ के हेल्प थ्रू यहाँ पे डिफाइन किया. कैसे, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स थे हमारे सेट के अंदर यहाँ पे जो डिफाइन किया था हमने ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इनको हमें प्रिंट कर लिया ए बी सी डी ई. मीन्स क्लियर, तो डायरेक्टर ग्राफ है उसकी ये वर्टिसेस हो गए हैं, इन्हें नोड बोलते हैं ए बी सी डी ई. क्लियर, तो इसमें फर्स्ट जो रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी, तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया ए टू बी एक एज दी, उसके भी डायरेक्शन शो कर दिया. मीन्स ये रिलेशन, ये एज जो डायरेक्टेड एज शो कर रही है, रिलेशन है ए टू बी. ओके, नेक्स्ट जो रिलेशन है हमारे पास सेट पेयर है वो क्या बी कॉमा सी, तो मीन्स एक रिलेशन है बी नोड टू नोड सी, तो बी नोड टू सी एक एज है डायरेक्टेड एज, उसके ऊपर डायरेक्शन है. सेम वे में प्रिंट किया सी कॉमा ई, मीन्स एक रिलेशन है नोड सी टू नोड ई, नोड सी से नोड ई एक एज है डायरेक्टेड एज है, रिलेशन प्रिंट कर रही. नेक्स्ट ए कॉमा डी, नोड ए और डी इनके बीच एक डायरेक्टेज जो डायरेक्शन एज का वो शो कर रहा है, रिलेशन फ्रॉम नोड ए टू नोड डी. नेक्स्ट डी कॉमा नोड डी टू ए, सेम एज में डायरेक्शन दे दिया तो ये रिलेशन शो कर रहा है फ्रॉम नोड डी टू ए. नेक्स्ट डी टू डी, तो रिलेशन डी से डी के लिए हमने यहाँ पे एक शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड एज. ओके, इस मेथड को हम और एक क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर कर सकते हैं और ज़्यादा समझ सकते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम वन है. लेट एस है, एक सेट है एस, उसके एलिमेंट्स है वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर एंड फाइव, एंड जो रिलेशन आर गिवन है
सब पेयर्स हैं 1.1, 1.2, 2.3, 1.3, 1.4, 4.5, 5.1, 1.5 एंड 4.1, ओके, रिप्रेजेंट दिस रिलेशन विद डायग्राफ, ओके। तो हमने यहाँ पे डायग्राफ के थ्रू इस रिलेशन को प्रेजेंट किया है, जितने भी सेट में एलिमेंट्स थे उनको हमने यहाँ पे डिफाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ में वर्टिसेस होते हैं नोड के थ्रू, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्लियर। जो फर्स्ट रिलेशन डिफाइंड है यहाँ पे नोड जो सेट एस के एलिमेंट्स थे 1, 1, 2, 1 मीन्स ये तो 1, 2, 1 हमने यहाँ पे एक डाटेज दिए फ्रॉम नोड 1 टू नोड 1। नेक्स्ट है 1, 2, 2, तो नोड 1 से नोड 2 के लिए एक डायरेक्टेड है जिसमें एरो के थ्रू हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 टू 3, ये नोड 2 टू नोड 3 एक डायरेक्टेड एज है, ये रिलेशन शो कर रहा है फ्रॉम नोड 2 टू नोड 3। नेक्स्ट 1.3, नोड 1 से 3 हमने एक डायरेक्टेड एज दी हुई, इस पर एरो के थ्रू डायरेक्शन शो कर रहे हैं ये रिलेशन, ओके। सेम बीम में जितने बच्चे हुए पेयर से उनका रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ओके। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ मेथड इसके थ्रू हम रिलेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये नोट्स हैं और यहाँ पे ये क्वेश्चन के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है, तो मैं होप आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप सॉल्व करिए, देखिए मैंने सोल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। आई होप दीज नोट्स आर बेनिफिशियल टू यू एंड होप यू विल स्टडी फ्रॉम दीज नोट्स, ओके।